नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमने पिछले ही हाल में एक वीडियो दिया था। पिछले वीडियो में हमने बताया था पोल के बारे में कि ये पोल, व्हाट इज दिस पोल, पोल क्या है। ठीक है, कई सारे कमेंट थे, तो आज हम बताएंगे कि कितने पोल में कितने RPM होते हैं, वो सारी चीज़ें, और उसको निकालना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे RPM निकालते हैं। ठीक है, मोटर को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक फराटा फैन है, इसमें टू पोल है। ठीक है, टू पोल की मोटर है। तो मिस्त्री जब देखता है, टू पोल को देखता है, तो कहता है कि भाई 2880 RPM है इसके, तो या कहते 3000 RPM है। चार पोल को देखते हैं तो कहते हैं 1440 RPM है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। छह पोल को देखते हैं तो कहते हैं 980 RPM है। ठीक है, लेकिन वो पोल को देखते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको काढ़ना बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं RPM मोटर की पोल को देख के। अब इससे ज्यादा पोल को हो, पोल की मोटर हो, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि भाई कितने RPM लगभग ये देगी। तो वही आज की वीडियो में वही मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। ठीक है, तो इस मोटर को मैं साइड में रख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा। एक होता है फेस एंगल, फेस एंगल। ठीक है, फेस एंगल होता है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फेस एंगल क्या होता है, और फेस एंगल गुणे में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम HZ बोलते हैं, फिर आती है हमारी जो पोल है वो बराबर RPM। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमको कार्य करना है। जो फेस एंगल होती है वो थ्री फेस मोटर की जो है, या सिंगल फेस जो मोटर की है, वो 120 होती है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे कि फेस एंगल क्या है। ठीक है, और इसकी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है वीडियो में, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फेस एंगल के बारे में। तो आप 120 ले लीजिए फेस एंगल। ठीक है, आप 120 को याद कर लीजिए। 120 फेस एंगल हमने ले ली, 120 गुणे में HZ। HZ हमारी यानी कि जो मोटर की फ्रीक्वेंसी होती है, मोटर पे लिखा भी होता है, वो होता 50। यहां का अलग अलग कंट्री में अलग अलग HZ मिलते हैं, 50 HZ। ठीक है, अब दोनों को गुणा करके भाग में, पोल से भाग करना है कि कितने पोल निकाल रहे हो आप। ठीक है, आपको यहां पे टू पोल का निकालना है, तो यहां पे टू लिख दीजिए। अब दोनों का यहां पे गुणा करिए, और जो आता है उससे फिर भाग कर दीजिए दो का। ये दो पोल है आपका, अब बराबर जो निकलेंगे वो RPM निकलेंगे 3000 RPM। ठीक है, तो 3000 RPM जो मोटर का जो स्टेटर है, जो मोटर की जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग है, ये जनरेट कर रही है इतने 3000 RPM जनरेट ये कर रही है। लेकिन बोलते हैं ना 2880 होगा, या 2800 से कम है, 2700 है, 2900 है, तो वो क्या है। लेकिन मोटर की तो जो टू पोल पे जो मोटर जो जनरेट करती है जो RPM, वो 3000 होते हैं। लेकिन जो जो उसका रोटर होता है, जब रोटर को घुमाती है, तो क्या होता है कि रोटर वो इतनी तेजी से नहीं घूम पाता जितना कि यहाँ पे बनता, उतना RPM नहीं दे पाता, तो थोड़े से RPM यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो RPM इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे 3000 RPM मोटर देती है। ठीक है, अब आप इसको बदलते जाइए, यहाँ पे पोल को बदलते जाइए, यहाँ पे HZ अगर बढ़ेगा तो RPM बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये 120 है, ये फेस एंगल होता है, इसको नहीं छेड़ना है। HZ और पोल डाल के यहाँ पे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसी तरह से आप
फोर पोल का काट सकते हो। फोर पोल का जब आप निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 1500 आरपीएम, जबकि बोलते हैं 1440 आरपीएम, 1300, 1330 आरपीएम। तो ये जो मोटर का जो रोटर है, जो मोटर की जो सापट की गति है एक मिनट में, उसको बोलते हैं आरपीएम। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरा आरपीएम देता है जितना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दो पोल हो गया, चार पोल हो गया। अब बात करें तीन पोल की, तो तीन पोल जो है वो आरपीएम देगा यहाँ पे 2000 आरपीएम। ठीक है, और सापट देगी उससे कम देगी, 2000 से तो 1800 के आसपास देगी, 1800 से ऊपर देगी, 1900 देगी, तो अलग अलग है। अब बात करते हैं छह पोल की, तो छह पोल की जो मोटर है इसी तरह से निकालेंगे छह पोल का भी, 1000 आरपीएम देती है, जिसको बोलते हैं 980 आरपीएम, 960 आरपीएम। ठीक है, 980, 960 बोलते हैं, तो इस तरह से आरपीएम मोटर देती है 1960 छह पोल की। तीन पोल की जो है 2000, ठीक है, 1900 या 1800 तक आरपीएम देती है। अब आठ पोल की बात कर लेते हैं, आठ पोल की जो मोटर है वह 750 आरपीएम देती है। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं 700। 10 पोल की मोटर की बात करें 600 आरपीएम देती, इसी तरह से निकाल रहा हूं मैं, और 580 हो सकते हैं आरपीएम, कम हो सकते हैं उससे। 12 पोल की मोटर की बात करें 500 आरपीएम देती है मोटर, 480 हो सकते हैं कम। ठीक है, तो इसी तरह से फिर 14 पोल की बात करें हम, 14 पोल की मोटर है 428 आरपीएम देती है, उससे कम हो सकते हैं। इसी तरह 16 पोल की मोटर है 375 आरपीएम देती है, 340 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, मोटर की जो क्वाइल है वो दो पोल में है, तो पूरे के पूरे 3000 आरपीएम, 220 वोल्टेज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, वोल्टेज पूरी है, एच जेड 50 है, तो यह दो पोल है, तो पूरी की पूरी जो मोटर की जो वाइंडिंग है वो 3000 आरपीएम जनरेट करेगी। कई बार क्या होता है कि मोटर का जो स्टेटर है वो तो पूरा जनरेट कर रहा है आरपीएम, बट जो उसका रोटर है, रोटर वो तो या तो सही बैठ नहीं रहा है, ऊपर नीचे है, तब आरपीएम कम हो जाते हैं, या स्टेटर और रोटर के बीच में गैप है, या रोटर घिस गया है। कई बार समरसिबल मोटर में भी यही होता है कि मोटर का जो रोटर होता है वो घिस जाता है, या अन्य मोटर में भी ऐसा ही होता है, तो आरपीएम उसके कम हो जाते हैं। पंखे के अंदर भी ऐसा ही होता है कि रोटर जो है वो स्टेटर के बीचों बीच यहाँ पे नहीं होता फिट, ऊपर नीचे होता है, तो आरपीएम कम हो जाते हैं, या रोटर और स्टेटर के बीच में गैप आ जाए, रोटर थोड़ा छोटा डाल दिया जाए, फिक्स नहीं डाला जाए, तो भी आरपीएम कम हो जाते हैं, तो ये कारण होता है। या मोटर जब चलती है, मोटर जब लोड पड़ता है, तो आरपीएम कम होते ही होते हैं, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये कारण होता है। लेकिन जो मोटर की जो दो पोल में जो कैपेसिटी है जनरेट करने की वो 3000 आरपीएम है, और चार पोल में जनरेट करने की 1500 आरपीएम होती है, तीन पोल में पूरे 2000 जनरेट ये करती है मोटर। तो दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी जो मोटरें होती है वो पूरे आरपीएम देती हैं। देखिए, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से मोटर के अंदर सेटिंग करी गई है वो मोटर पूरे आरपीएम देगी। अगर आपके वोल्ट कम आ रहे हैं तो पूरे आरपीएम नहीं मिलते हैं, पूरे वोल्ट आप देते हैं तो यहाँ पे आरपीएम पूरे आते हैं। जो ब्रांडेड मोटर होती है, कंपनी की मोटर होती है, बढ़िया मोटर होती है क्वालिटी में, वो मोटर पूरे आरपीएम देती है, या 3000 के 3000 पूरे के पूरे, जितने यहाँ से बनते हैं पूरे के पूरे रोटर, उतना ही रोटर भी घूमता है। बाकी जो जिस मोटर के अंदर प्रॉपर ढंग से तार नहीं डाला जाता, या जिसका रोटर में कोई प्रॉब्लम होती है, एल्यूमिनियम रोटर वाली मोटरें होती हैं, वो
इतने आरपीएम जनरेट नहीं होते, रोटर शाफ्ट पे इतने आरपीएम नहीं मिलते हैं। तो ये सब होता है दोस्तों। तो इस फार्मूले से आप फेस एंगल यानी कि 120 फेस एंगल प्लस में एच जेड और यहाँ पे पोल, ठीक है, तो फेस एंगल और एच जेड को गुणा करके आप पोल से भाग दे दें, आरपीएम निकल के आ जाएंगे आपके मोटर के, कोई सी भी आपके मोटर हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और पोल क्या होती है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी आपको, तो वो भी आप देख सकते हो, या जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैं लास्ट में लगा दूंगा कि पोल वाली वीडियो, पोल क्या होती है, अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इस तरह से आप काट सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर मिलेंगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।